आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं हूं सैमसन डेविड, आपका बहुत ही ख़ास दोस्त। दोस्तों, आज मैंने सोचा बहुत लंबे वक्त के बाद मैं फेसबुक पर लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि बिछड़े हुए बहुत ज़माने हो गए। मैं कनाडा में आ गया। कनाडा में आने के बाद मैं ब्रैम्पटन में हूं। इस वक्त सुबह 11:30 बज रहे हैं, बारिश का माहौल है और जितने इंडिया या दूसरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबको मैं बार बार नमस्कार और आदाब बोलता हूं। और मौसम ठंडा है, पहाड़ों से निकली हुई एक ऐसी राग, क्लासिकल राग जिसे हम पहाड़ी कहते हैं, उसको लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। राग पहाड़ी, इंडियन क्लासिकल राग जो हैं उनके अंदर एक बहुत ही मशहूर है। और बॉलीवुड के, मैं अपने एंगल से सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे अनेक गाने हैं जो कि राग पहाड़ी पर है। राग पहाड़ी जो है ये जिस तरीके से कहा, माउंटेन्स है, यानी कि पहाड़ों से रिलेटेड है। और संतूर और फ्लूट इसके ऊपर गजब के बजते हैं और ये एक प्लेफुल और एक पेंसिव यानी थॉटफुल एक राग है, जिसपे खूब सोचता आदमी एक, जिसको कह लीजिए धुन इस पे जो बसती हैं, खासकर धुनों के लिए बड़ा मशहूर है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, राग पहाड़ी जो है इतनी मधुर राग तो है ही, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी हमारे फिल्मी गाने हैं बॉलीवुड के विशेषकर, और जो ऐसे गाने जो कि 50s, 60s और 70s और थोड़े 80s में हैं, वो दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट ट्रेजर, बहुत बड़ा हमारा एक सरमाया है, पूंजी है। और ऐसे ऐसे बेहतरीन गाने राग पहाड़ी पे बने हैं कि जिस तरीके से मैं अभी गाऊंगा। और इस प्रोग्राम के साथ मैं ये चाहूँगा, छोटा प्रोग्राम हो, छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और खराज अकीदत मैं पेश करना चाहूँगा, यानी कि श्रद्धांजलि एज ए ट्रिब्यूट। हमारे बड़े कलाकार हैं जिसमें गायक तो हैं ही, कुछ लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिकल म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, राग पहाड़ी पर जो है मैंने अपनी रिसर्च करी कि रवि साहब का कोई मुकाबला नहीं। रवि साहब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, संतूर फ्लूट का ऐसा उन्होंने हिसाब भरा है, अपने पूरे दौलत इतनी भर दी है कि इस पूरी पहाड़ी को सामने उतार के रख दिया है। उनकी धुनें तो मैं गाऊंगा ही, उनके साथ दूसरों के भी। और मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम का जो आगाज़ मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के कुछ मकबूलों गानों से मैं करूंगा। इन गीतों को एक हाथ का मैं अंतरा, बाकी टाइम कम होगा तो मैं दो दो लाइनें गाऊंगा। तो जैसे लेजेंडरी रफ़ी साहब हैं, मैडम लता जी हैं, मुकेश जी हैं, तलत महमूद साहब हैं, मन्ना डे साहब हैं, और हेमंदा हैं, किशोर दा हैं, जगजीत साहब हैं। हाँ, इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो मैं करूँगा आखिर में, मैं गज़लें पेश करूँगा छोटी छोटी, जगजीत सिंह साहब की, शनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की, और लिविंग लेजेंड जो हमारी हैं उस्ताद ग़ुलाम अली साहब, इन सब के प्रोग्राम से मैं इख्तिताम करूँगा इस शो का। आइए मैं सबसे शुरू में जो है इस राग पहाड़ी पे रफ़ी साहब के कुछ 3-4 गीत, एक कांतरा और बाकी में 2-2 लाइनें आपके सामने गा के इस प्रोग्राम का मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहला जो है, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम कसम लाजवाब हो। ये गाना जो है शकील बदायनू साहब ने लिखा था और 1960 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस गाने पे। और रवि साहब, जैसे मैंने कहा, वो उन्होंने, लेजेंडरी रवि साहब ने 1960 में जो चौदहवीं का चांद पिक्चर आई गुरुदत्त और वहीदा रहमान जी पे है, देखिए क्या उम्दा शायरी और क्या उम्दा इस पे म्यूजिक है। जी, चौदहवीं का चांद हो आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
लाजवाब चौधरी का चांद हो। जुल्फें हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, जुल्फें हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौधरी का चांद हो या खुताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो का। 1949 1949 में रफ़ी साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन गीत गाया फिल्म थी दुलारी, जहां से रफ़ी साहब की बहुत बड़ी पहचान बनी। नौशाद साहब का म्यूज़िक और आप सब जानते हैं शकील बदानी के बोल के मैं कौन से गाने कह रहा हूं। आइए सुनते हैं। इंडिया में तो इस वक्त रात हो रही है, रात के लिए सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, जाने तुम कब सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। दो लाइनें याद आ गई, बहुत ही जैसे मैंने कहा पेंसिव थॉटफुल एक गाना है। भाभी पिक्चर के लिए चित्रगुप्त जी ने इसका म्यूजिक दिया। सिर्फ एक लाइन गाऊंगा, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी एक और गाना रवि साहब की कंपोजिशन में अभी याद आ गया। ये गाना जो है अब जो मैं गाऊंगा, इस गाने को रवि साहब ने कंपोज करा है जैसे मैंने कहा, और जी हाँ, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं खामोशियों सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। क्या बात है, तो दोस्तों राग पहाड़ी पे मैंने लेजेंडरी रफ़ी साहब को, जिनकी गायकी में ये चार गाने मैंने दो दो लाइनें सुनाई, बड़े मकबूल गीत ये हुए, और आपको 50-60 पहले साल की जो दुनिया है वो याद आ रही होगी। इस गाने के बाद मैं
एक खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। ऐसी मखमली आवाज़ जिसने करोड़ों लोगों के दिल लूट लिए, और उनका नाम है लेजेंडरी तलत महमूद साहब। एक फिल्म आई थी बारादरी, और इस फिल्म को मैं समझता हूँ 1955 में आई थी, और ये फिल्म जो है इसका एक बड़ा गाना मकबूल है जिसका नाम है, गाने के बोल हैं, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है। तो ये जो गीत है तलत महमूद साहब के बारे में एक आध लाइन में बोल दूँ, मोस्ट सूटेड बूटेड, टाई लगा के कोट पैंट पहन के रहते थे, लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो से शुरू करा, और बाद में उस्ताद ये सहगल साहब के, सहगल के बहुत बड़े मुरीद थे, और वहाँ पर बॉम्बे चले गए, और वहाँ से इनका करियर बहुत ऊपर उठा। और उनका ये गीत जो है तस्वीर बनाता हूँ, एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम नौशाद नहीं है बल्कि नाशाद है, नाशाद साहब, इमरान खान साबरी, क्या हाल है आपके इमरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये गीत क्या बात है। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनते, तस्वीर नहीं बनती, क्या बात है। यह है पहाड़ी, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजर मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता तस्वीर नहीं बनते, तस्वीर नहीं बनते, तस्वीर नहीं बनते। अब दोस्तों राग पहाड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्या क्या धुनें हैं इसके, धुनों के लिए बड़ी मशहूर है राग पहाड़ी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, उनके बारे में तो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, क्या बताऊँ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उनको बहुत बड़ा सलूट हम सब की तरफ से खराज अकीदत में पेश करना चाहूँगा। उनकी दो दो लाइनों के तीन चार गीत जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक गीत मुझे याद आ रहा पहाड़ी पे, वो दिल कहाँ से लाऊँ तेरी याद उभरा दे, आशा पारिक के ऊपर, आशा पारिक जी पे। फिर ए मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, टार हाउस पिक्चर का, और गुजरा हुआ ज़माना आएगा आएगा, ये दो दो लाइनें सिर्फ मैं आपके सामने, लता मंगेशकर जी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। <clears throat>
दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। ऐ मेरे दिल नादान, तू हमसे ना भूला। एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा फसाना। ऐ मेरे दिल नादान, तू हमसे ना भूला। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। लेकिन कीमती लाइन आ रही है अब आपके लिए। गुजरा हुआ समाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ समाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। दोस्तों, लता मंगेशकर जी को मैंने आपके सामने खराज अकीदत पेश की। लता मंगेशकर जी का कोई सानी नहीं। तो ये हमारी लेजेंड्स जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की हैं, और जितने गाने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिकल म्यूज़िक पे, इंडियन रागा सिस्टम पे आधारित हैं, और जिनमें राग पहाड़ी पे बहुत बेहतरीन गाने हुए हैं। तलत महमूद जी को, रफ़ी साहब को, मैडम लता जी को मैंने आपके सामने श्रद्धांजलि पेश की। अब मैं एक बड़ा दो लाइन का एक गीत जो आप सबने बहुत सुना हुआ है, और एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लेजेंड सिंगर जो कि जिन्होंने इतने नंबर न्यूमेरिकली इतने नहीं गाए लेकिन सभी हिट थे तकरीबन, लेकिन बड़े सिंगर्स ने बहुत ज़्यादा गाने गाए लेकिन कुछ हिट हुए कुछ नहीं, इनके सभी तकरीबन हिट हैं। और अर्का जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक गीत कभी कभी फिल्म का, खयाम साहब से मैं मिला हूँ, क्या शाइस्ता पर्सनालिटी उनकी। बॉम्बे में मैं एक शो में मिला था, और साहिर लुधियानवी साहब, साहिर साहब का तो क्या कहना, साहिर का मतलब ही है जादूगर, तो क्या लिखते थे जादू की तरह। तो साहिर लुधियानवी साहब ने जो गाना लिखा, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मुकेश साहब को, मुकेश चंद्र माथुर साहब को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले
सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन से बुलाया गया मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ जितेंद्र सिंह जामवाल साहब जम्मू से हैं, लेकिन दिल्ली के एक बहुत ही हिंदुस्तान के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं, देश विदेश में प्रोग्राम हो। जितेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद इमरत जो कि जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम में शिरकत दे रहे हैं, मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप मेरे दिल के टुकड़े हो, मेरे बहुत करीब हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश साहब को मैंने जैसे प्रस्तुत किया, उनको श्रद्धांजलि दी, अब मैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत को, मैं हरीश प्रधान बेंगलोर से जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फिल्मों के, उन्होंने भी ज्वाइन करा है मेरे को, हेमंदा, तो ऐसे मैजिकल सोनोरस और एक ऐसी वॉइस, मेलीफ्लुअस वॉइस के कमाल है। एक गीत चुकी है जो आप सब ने सुना, प्यासा पिक्चर जो कि गुरुदत्त और ये वहीद रहमान जी के ऊपर फिल्माई गई थी, साहिर लुधियानी साहब के फिर से बोल हैं, और हेमंदा ने कमाल कर दिया इस गीत को जो मैं गा रहा हूँ। जगजीत सिंह जी ने भी और कई लोग उसको गाते हैं कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार प्यार मिला। हमने तो जब कलियाँ मांगी तो कांटों का हार मिला। तो ये गीत जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हेमंत कुमार साहब जिनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, गम के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग जिनके प्यार को प्यार मिला। प्रोफेसर कुसुम शर्मा जी अजमेर से जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, मैं आपको बहुत एहतराम करता हूं और बहुत आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। हेमंदा के बाद फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ मन्ना डे साहब, बहुत बड़ा सलूट क्योंकि मैं उनको बहुत बहुत मानता हूं। हेमंदा जो हैं उनके बाद जैसे मैंने कहा मन्ना डे साहब एक क्लासिकल सिंगर थे, सुर सम्राट भी कहते हैं उन्हें। उपकार फिल्म आई थी 1967 में मनोज कुमार साहब की, उसमें एक ऐसा बेहतरीन गाना गाया जो हमारे रिश्ते और नातों के ऊपर है कि आजकल ना दोस्त है कोई ना हमारा सगा कोई है, सब दिखाने के ज़्यादातर ऐसे के रिश्ते आ जाते हैं और कसम वादे प्यार वफा सब। फराज साहब ने एक बारी कहा था
कि तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। राग पहाड़ी कसमवाद प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कसमवाद प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमवाद प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, बातें बातों का क्या। तो दोस्तों, जिस तरीके राग पहाड़ी के ऊपर हमारे नगमे चल रहे हैं फिल्मी गानों के, और मैं इसके बाद बंगाल से हमने हेमंत दा लिए, हेमंत दा के बाद हमारे सामने हमने देखा कि मन्ना डे साहब आए, बंगाल से ही रिलेटेड बंगाली, एक ऐसी वर्सेटाइल शख्सियत, मैं उनका बहुत बहुत मानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हम सब हैं, बल्कि किशोर दा बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कॉमेडियन, सिंगर, वैसे सिंगर मैंने मचलते हुए गाने गाते थे, मचलती हुई हवा के संग संग वो भी गाना था राग पहाड़ी पे, मुझे याद आया एक गीत जो है बहुत पेंसिव जैसे मूड का, सोचना जिस पे है, वो है ज़िंदगी का सफ़र। 1970 में सफ़र पिक्चर आई थी, राजेश खन्ना जी, शर्मिला टैगोर जी के ऊपर फिल्माई गई थी, क्या बोल हैं उसके, कल्याण जी आनंद जी साहब का म्यूज़िक है। और उसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक और गीत में सिर्फ दो लाइनें उसकी बिगा दूँ कि आँखों आँखों में हम तुम, क्योंकि ये सब पहाड़ी पे, और देवानंद साहब को भी खराज अकीदत दे दे। तो ये अभी मैं आपके सामने, मैं आपके सामने किशोर दा को ला रहा हूँ, जो कि हमारी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड रही है, लेजेंड रही। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई संग नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से मोहब्बत निभाएंगे क्या, रोते रोते ज़माने में आए हम, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम, आएंगे पर किधर है ये सब किसको खबर, हो
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं। देवानंद जी, आशा पारिक जी आ गए। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। अर्का जी कह रही है कोई हैप्पी गाना गाओ, तो मैं हैप्पी गाना गा रहा। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखो बन गए अफसाने, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, हो गए दीवाने। अब दोस्तों मैं साथ साथ बढ़ता हूँ गज़लों की तरफ। गज़लों में सबसे पहले मैं जगजीत सिंह साहब को ला रहा हूँ। तुम इतना क्यों मुस्करा रही हो, और कैफी आज़मी साहब ने लिखा है। उसके बाद शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, और उसके बाद लिविंग लेजेंड हमारी जो हैं गुलाम अली साहब। जगजीत सिंह साहब, क्या बात है, मैं उनसे मेरी अच्छी मुलाकातें रहीं। बहुत मजाक करते थे लेकिन बहुत उदास भी रहते थे अपने अकेलेपन में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे, क्या गुण है जिसको छुपा रहे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में तुम्हें हंसी लबों पर, क्या हाल क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। उस्तादों के उस्ताद मेहदी हसन साहब, हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं आ भी कर दूं, लेकिन फिर भी राग पहाड़ी पे एक गजल पेश कर रहा हूं। बेशक ये राग पहाड़ी पे भी है, और राग पहाड़ी के दो अंग होते हैं वैसे, एक दुर्गा, और दुर्गा के साथ जो है भोपाली। मैं जो ये गजल गा रहा हूँ भोपाली के ऊपर बेस है ज़्यादा। बात करनी बहादुर शाह जफर साहब को ने लिखा है, वो लिरिक्स हैं। मेहदी हसन साहब को सलाम करते हुए हिम्मत कर रहा हूँ। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो न थे, बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसे ही तो न थे,
कैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे ही तो न थे बात करनी। ले गया छीन के काम आज तेरा सब्र करा, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करा, सब्र करा। सब्रो करा, सब्रो करा, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करा। बेकरारी तुझे ऐ दिल, कभी ऐसे ही तो न थे बात करनी। मुझे मुश्किल, कभी ऐसे ही तो न थे बात करनी। इख्तिताम मैं इस प्रोग्राम का कर रहा हूँ, आखिर में लिविंग लेजेंड पहाड़ी पे ही आधारित नासिर काज़मी साहब, नासिर काज़मी साहब जो हैं उनकी बड़ी मकबूल गज़लें हुई हैं, जिनमें से एक गज़ल मेरे को याद आ रही है, नियत है शौक। क्या बात है, मैडम नूर जहां ने गाई और बाद में कईयों ने गाई, आशा भोसले जी ने गाई। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, लिविंग लेजेंड गुलाम अली साहब मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास। दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, में एक लहर से उठी है अभी। आ, आ, इंडिया में रात हो गई, कुछ लोग सो रहे हैं, एक आध खिड़की खुली है, बात करनी। देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है पहाड़ी। दिल में एक लहर से उठी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी।
सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, वो एक खिड़की मगर खुली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अब, एक लहर से उठी है अब। मक्का पेश है प्रीति श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर हैं, ग्वालियर से ज्वाइन करा। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। मक्का पेश है। वक्त अच्छा भी आएगा ना से, वक्त अच्छा आएगा नास, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। जी मनु मेहता जी ब्रैम्पटन से इस वक्त जो गए हैं, जलंधर के रहने वाले। वक्त अच्छा भी आएगा ना से, वक्त अच्छा आएगा ना से, हम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक नहर से है अभी, दिल में एक नहर से उठी है अभी। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आप सबको सुनने के लिए। मैं बहुत आपको इज्जत से, मेरा प्यार आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।